हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड टू ऑल माय लिसनर्स, टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन योर कंडक्ट, द मैनर इन विच यू कंडक्ट योरसेल्फ, राइट। एस्पेशली दिस वीडियो इज मीन्ट फॉर दोज पीपल हु आर आईइंग क्लैट एग्जामिनेशन इन 2022 दिसंबर, right? As you all are aware that we are having only 5 months left, and there are certain people, there are, say, every day there are few students coming to me and saying that ki sir, will it be possible in 5 months, will I be able to crack the exam in 5 months, because the exam is so difficult. And say we have got passage questions, comprehension based questions. So there are several students who are wary of this fact, who are very much say they are feeling in trouble, but actually there is no trouble. I am telling you, 5 months is enough. If you give your time, sweat and blood to this examination, then you are going to qualify this exam no matter what. कुछ भी होगा एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे, माइंड माई वर्ड्स, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आप बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई करोगे. द ओनली थिंग दैट यू हैव गॉट टू डू इज टू वर्क हार्डर एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान. 5 महीने है सिर्फ हमारे पास, 150 दिन, और इस 150 दिन को we have to use it in a very judicious manner, एकदम articulative manner में इसको use करना है, एकदम planning के हिसाब से चलना है, किस subject को कितना पढ़ना है, किस subject को कितना weight देना है, किस तरीके से हमारा health plan क्या होना चाहिए, कितने देर तक पढ़ाई करनी है, कितने देर तक सोना है, क्या हमारा रूटीन होगा. एवरीथिंग शुड बी वेल क्राफ्टेड एंड इट शुड बी फॉलोड रिलीजियसली, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू हिट इट, टू हिट द बुलसाई, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा, इस एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा. आपको मेहनत करना होगा और एकदम प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा. जिस तरह से हम लोग बताते हैं उसी तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा. आप क्लासेस हमारी ले रहे हैं, क्लासेस करते रहिए और घर पे जाकर के उसको रिवाइज करते रहो, और हर वीक जो करंट अफेयर्स है पिछले महीने का उसको पूरा रिवाइज करो, हर वीक में. और जो अगर 2 महीने का हो जाता है तो दोनों महीने का करो, हर वीक करो, क्योंकि जीके एक बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट है और बहुत मार्क्स कैरी कर रहा है. और क्योंकि अगर आप जीके जान रहे हो तो मार्क्स मिलेगा, और नहीं जान रहे हो तो नहीं जान रहे हो, उसमें देर आर नो टू वेज अबाउट इट. तो जीके को एकदम मतलब पकड़ के रखना है. एंड सेकेंडली यू हैव टू गो थ्रू द हिंदू न्यूज़पेपर एवरी डे एंड मार्केट, बिकॉज द हिंदू इज हेल्पिंग यू से इन 3 वेज. It is helping you in English, it is helping you in GK, and it is helping you in law paper also, because there are several case laws, there are at least 4 to 5 case laws discussed in the Hindu newspaper every day, and they all are leading case laws, they all are High Court, Supreme Court judgments, orders. So we cannot bypass, you cannot bypass the Hindu. Aap usko padhiye please. और एकदम मतलब आप 8 घंटे 7 घंटे इस एग्जाम को दो, हर दिन दो, क्लासरूम टीचिंग के अलावा, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. पूरी मेहनत करिए, पूरा एफर्ट लगाइए, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन विद डिसिप्लिन, दीज 4 आर आर प्रिंसिपल्स, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन. एंड चाणक्य क्लैट क्लासेस विल बी देयर with you all at every single step.
we shall not be leaving a single stone unturned in helping you hit the exam straight away, hit the bullseye, right? So just work hard. Tomorrow, in the next video, I shall be giving you the framework of 5 months, that how to crack the exam in 5 months, in tomorrow's video. So stay tuned for tomorrow's video, and please keep working hard according to a plan, and that plan I shall be dealing with you all, I shall be discussing with you all tomorrow. Until then, just ensure that you are reading the Hindu, you are doing the classes, attending the classes on, say, you are very punctual, not only on with regard to the time, but with regard to the syllabus also. And then the next thing is that you are able to reciprocate it. बहुत बार होता है कि आप पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आता है, पढ़ रहे हैं मार्क्स ही नहीं आ रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है. तो जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं सैटरडे को, उस पर भी फोकस करिए. और टेस्ट देने के बाद आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती है, फिर उसके आंसर्स जो आप नहीं कर पाए, फिर उसको बनाइए, सॉल्व करिए, और फिर टीचर से पूछिए, कंसल्ट करिए. सारे परमानेंट फैकल्टीज हैं, आप सारे फैकल्टीज को पकड़िए. आपको जहां भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, गो टू योर कंसर्न फैकल्टी, ही विल हेल्प यू आउट, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो. टुमारो आई शैल बी गिविंग यू अ कंप्लीट फ्रेमवर्क एज टू द मैनर इन विच वी शैल बी प्रोसीडिंग फर्दर. यू ऑल शैल बी प्रोसीडिंग फर्दर, राइट? थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरी वन. जय हिंद.